सोचिए कैसा हो अगर सुबह आँख खुलते ही ऐसा नजारा देखने को मिले तो। वाओ, इस घर को देखो। सपनों के घर के लिए दूर क्यों जाना, वो तो आसपास ही है। ये घर बहुत अच्छा है। तो बैठिए, रिलैक्स कीजिए और सोचिए कि आप जी रहे हैं बहामाज लाइफ। दूर दूर तक फैले इस नीले समंदर में करीब 700 आइलैंड्स और कीज हैं, जो बहामाज और यहाँ रहने वाले 3 लाख लोगों को एक अलग पहचान देते हैं। वेलकम टू द बहामाज। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। मैं इस जगह को हेवन से कम नहीं समझता। बहामाज फ्लोरिडा से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर है, जहाँ आपको हर बजट में प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी ताकि आप अपने सपनों का घर खरीद सकें। मैं हूँ कैरा और ये है मेरे हस्बैंड टिम, और हम कैलिफोर्निया से हैं। हम एक दूसरे से हाई स्कूल में मिले थे। मैं कुछ साल मरीन कोर में रहा। मेरे पास मौका था, मैं चाहता तो मेरी सर्विस कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन फिर मैं घर आया और मेरी मुलाकात इससे हो गई, और उसके बाद हमने शादी कर ली और वहाँ से लाइफ ही बदल गई। मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। यहाँ बहामाज में ग्रैंडफादर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो 6 साल की उम्र से ही हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते रहे हैं, इसलिए मुझे इस जगह से अच्छा खासा लगाव है। वेकेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, पूरी फैमिली यहाँ एक साथ आ सकती है। हर साल हम यहाँ आते हैं और सब कुछ भूल कर बस रिलैक्स करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। तीनों ही बेटियाँ अब पूरी तरह से सेटल हो चुकी हैं, इसलिए अब हमें खाली खाली लगता है। हम भी अब रिटायर होने वाले हैं, तो सोच रहे हैं कि यहाँ बहामाज में एक प्रॉपर्टी खरीद लें ताकि यहाँ आकर आराम किया जा सके। क्योंकि हम इस जगह को पहले से ही जानते हैं, तो एक प्रॉपर्टी एबाकॉस में ही देख रहे हैं। एबाकॉस का सबसे पॉपुलर और सबसे छोटा आइलैंड है एल्बो की, जो सिर्फ 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जगह को इसकी लेड बैक कम्युनिटी फील के लिए जाना जाता है, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ सिर्फ सबसे जाने माने लैंडमार्क द होप टाउन लाइट हाउस को देखने के लिए आते हैं। लोकल रियल एस्टेट एजेंट क्रिस्टीना मलोन आज टिम और कैरा को घर दिखाएंगी। मेरा घर एल्बो की में ही है, मैं बचपन से यहीं रही हूँ। इस जगह को क्वीन ऑफ आइलैंड कहते हैं। यहाँ की लोकेलिटी काफी अच्छी है और लोग काफी फ्रेंडली हैं। यहाँ अपना पंसा है। टिम, मैं जानती हूँ कि एबाकॉस आपके दिल के काफी करीब है, आप यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आया करते थे। मुझे ये बताइए कि आपको कैसा घर चाहिए। हमें एक ऐसा घर चाहिए जिसमें 3 से 4 कमरे हो और 8 से 10 लोग आराम से रह सकें। यही रिक्वायरमेंट है। दरअसल हमें एक साथ मिलकर रहने की आदत है, तो हमारी बेटियाँ भी जब यहाँ पर आए तो उन्हें एक अच्छा खासा किचन मिलना चाहिए, और मैं हमेशा से यही चाहती थी कि हमारा घर बीच के पास हो। क्योंकि हम बहामाज में हैं, तो हमारे पास एक बोट होनी ही चाहिए, और इसलिए एक ऐसा घर चाहिए जो डॉक के पास हो, खुला खुला हो, जिसमें बहेमियन फील आए और घर का व्यू भी अच्छा हो। और हमारा बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो घर लेने के बाद हम कुछ समय के लिए उसे रेंट पर दे देंगे। कम से कम 10 सालों के लिए तो देना ही पड़ेगा, क्या कहते हो? मुझे आप अपना बजट बताएंगे। घर खरीदने के लिए हमारा बजट है लगभग $975,000। Well, मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं आपको दिखाने के लिए। अगर आप रेडी हैं तो मैं आपको आज से ही घर दिखाने शुरू कर देती हूँ। हाँ, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए। क्रिस्टीना टिम और कैरा को सबसे पहले एल्बो की के व्हाइट साउंड ले जा रही हैं। आइलैंड के बीचों बीच बनी इस प्रॉपर्टी में बीच और विलेज दोनों का ही फील आता है। मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी पहले इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये वाली मेरी फेवरेट है, और जब आप घर के अंदर जाएंगे तो काफी पसंद आएगा। मुझे पूल अच्छा लगा। इसका नाम है बीज हाइव। ये ओशन व्यू है और आइलैंड के बीचों बीच बना है, और गांव में जाने के लिए आप गोल्फ कार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें है 4 बेडरूम, 3 बाथरूम, और ये 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। मास्टर बेडरूम से व्यू काफी अच्छा मिलता है, और एक बड़ी फैमिली आराम से रह सकती है। ओनर को इसके चाहिए $960,000, तो मुझे लगता है कि इसको देखने में बुराई नहीं है। ठीक है, ओके, लेट्स टेक अ लुक। ठीक है। वाओ, घर तो काफी खुला खुला है, हम सब आ जाएंगे। वाह, ये वुडन वॉल मुझे अच्छी लगी, क्या पूरे घर में ऐसी ही है? हाँ, पूरे घर में है, ये एक अच्छा एड ऑन है। आई थिंक इसी की वजह से ये जगह काफी खुली खुली लग रही है। क्या ये घर हमें फर्नीचर के साथ? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये पिंक सोफा मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चाहें तो इसे बाद में चेंज कर सकती हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को एक साथ मर्ज कर दिया है, जिससे काफी लोग एक साथ यहाँ फिट हो सकते हैं, जैसे पार्टी वगैरह में। लेकिन मुझे लगता है कि हमें डाइनिंग टेबल थोड़ा और बड़ा चाहिए। आपको एक बात और बता दूं कि किचन में भी बैठने की काफी जगह है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है। वाह, ये तो बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा है, मुझे बहुत पसंद आया।
अगर खाना खाना हो तो पूरी फैमिली यहाँ बैठकर खा सकती है। हाँ। खाना बनाने में अगर देर हो रही हो तो यहाँ बैठकर खेल भी सकते हैं। बिल्कुल। मतलब खाना बनाते हुए भी तुम उन पर नजर रखोगी? हाँ बिल्कुल, घर मुझे बहुत पसंद आया। ओके, अभी भी आपने पूरा घर नहीं देखा है। ग्राउंड फ्लोर पर ही एक गेस्ट बेडरूम है और एक बाथरूम है, और ऊपर 3 बेडरूम्स हैं, साथ ही 2 बाथरूम्स। आप देख लीजिए, मैं तब तक बाहर आपका वेट करती हूँ। ठीक है, ग्रेट। कमरा तो मुझे ठीक ही लग रहा है। हाँ, गेस्ट रूम अच्छा है। लेकिन किचन के बिल्कुल पास में है। हाँ, उन्हें यहाँ नहीं भेज सकते जो देर तक सोते हैं, लेकिन रूम काफी बड़ा है। गेस्ट बाथरूम थोड़ा छोटा लग रहा है। हाँ तो क्या हुआ, गेस्ट कौन सा यहाँ हमेशा रहने वाले हैं, ये सिर्फ गेस्ट्स के लिए ही तो है। ठीक कह रहे हो, इतना बुरा भी नहीं है और वहाँ टब भी है। हाँ। सेकंड फ्लोर पर 2 और कमरे हैं जिनके बीच में एक शेयर्ड बाथरूम है और एक मास्टर स्वीट भी है। ओह वाओ, ये कमाल का व्यू है, उठने के साथ बढ़िया नजारा। मुझे लगता है सब लोग यही रूम लेना चाहेंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कारपेट क्यों है, क्योंकि कारपेट को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर बीच से आएंगे तो ये खराब हो जाएगा। इस रूम का साइज भी ठीक ही है। काफी सारे कबर्ड्स बने हुए हैं यहाँ पर। दैट्स ग्रेट। बाथरूम भी अच्छा है और शावर एरिया सिंक से दूर है, ये बात अच्छी लगी मुझे। हाँ, जब कोई एक यहाँ रेडी हो रहा हो तो दूसरा अंदर जाके शावर ले सकता है। वाओ, जरा व्यू तो देखो। किंग साइज बेड। हाँ, मुझे तो किंग साइज बेड ही चाहिए, लेकिन यहाँ भी कारपेट है। ये बाथरूम तो बहुत ही अच्छा है। अरे वाह, इसमें जकूजी भी है। मैंने सोचा नहीं था कि ये यहाँ होगा। मुझे पसंद आया, सच कहूँ तो ये कमरा मैं ही ले लूंगी। ओ, जरा यहाँ देखो। वाह, क्या बढ़िया नजारा है। बहुत ग्रीनरी है। सही कहा, सनराइज तो यहाँ से बहुत अच्छा लगेगा। सच में। और मन करे तो यहाँ बैठकर डिनर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा व्यू वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल। हाय, तो बताइए कैसा लगा? यहाँ के व्यूज तो बहुत ही शानदार हैं। लगता है ये घर हमारे लिए ही रुका हुआ था। मास्टर बाथरूम में एक जकूजी टब है, वो तो सच में कमाल का है। ऐसे व्यू के साथ तो बस एक वाइन चाहिए। बिल्कुल। मुझे किचन बहुत अच्छा लगा, सिर्फ कुकिंग के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना भी खा सकते हैं। वहाँ एक छोटा सा टेबल है, मन करे तो वहाँ बैठकर खेल भी सकते हैं। मुझे बस एक ही दिक्कत है कि घर के हर कमरे में कारपेट है, जब कोई गीले पैर लेके अंदर आ गया तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसके मेंटेनेंस में हमें बहुत परेशानी होगी। राइट। बस हमें प्राइस देखना है कि कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च आता है। तो बताइए, मैं इसे आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर लूं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। परफेक्ट, बाकी के घर देखते हैं। ठीक है। ओ वाओ, ऐसा नजारा देखने को मिले तो यहाँ कौन नहीं रहना चाहेगा। तुम रोज यहाँ से कितनी मछलियाँ पकड़ लेते हो? करीब 14 किलो। 14 किलो। कैरा और टिम एबकॉनियन का सबसे फेवरेट पास टाइम अपना रहे हैं, यानी डीप सी फिशिंग। टिम, आप तो पूरी जान लगा रहे हो। लाओ अब मेरी बारी। हाँ ये लो। मुझे नहीं लगता कोई मछली फंसेगी। जरूर फंसेगी, कोशिश करती रहो। वाओ, ये तो बहुत अच्छी है। उम्मीद से ज्यादा बड़ी है। क्रिस्टीना टिम और कैरा को अब एक प्राइवेट रेसिडेंशियल कम्युनिटी में ले जा रही हैं, जो डोरस कोव पर है, जो कि एल्बो की के सदर्न एंड पर बसा हुआ है। मैं टिम और कैरा को बेला विस्टा दिखाने वाली हूँ। इसकी लोकेशन उन दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें एक बैकयार्ड है और यहाँ से कमाल का ओशन व्यू मिलता है, और वॉकिंग डिस्टेंस पर ही वर्ल्ड फेमस टहिटी बीच है। वेलकम टू बेला विस्टा। वाओ, इसका पोर्च एरिया काफी बड़ा है। क्रिस्टीना, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई शक नहीं कि आपको यहाँ से ओशन का 360 डिग्री व्यू मिलेगा। ये बहुत खूबसूरत है। सच में, यहाँ पे ताज़ा हवा भरपूर है। ये जमीन से थोड़ा ऊपर है तो आपको हर वक्त फ्रेश एयर तो मिलेगी ही। इस घर में है 2 बेडरूम्स, 2 बाथरूम्स, ओपन किचन और लिविंग एरिया। और जैसा कि आपने कहा था कि आपको छत थोड़ी ऊपर चाहिए, और जब आप अंदर जाएंगे तो आपको छत थोड़ी नीचे लगेगी, बट ऐसा है नहीं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके बजट से थोड़ा सा बाहर है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू 15-20% तक बढ़ने वाली है। तो अगर आपको ये घर पसंद आता है तो आई एम श्योर मैं इसे आपके बजट में दिलवा सकती हूँ। तो चलें। हाँ चलो। बताइए कैसा लगा? वाओ, क्या बात है, ये सच में बहुत काफी खुला खुला है। लिविंग रूम से व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरा दिल खुश हो गया। हाँ वो तो है, आप यहाँ से समंदर को मिस नहीं करेंगे। यहाँ का डेकोरेशन बिल्कुल उसी तरह किया गया है शायद जैसे हम लोग करते। जगह काफी खुली खुली है। वो तो है। और छत भी काफी ऊंची है। और छत से भी रोशनी आ रही है।
बिल्कुल, तो चलिए किचन देखते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। बिल्कुल, ये घर ओपन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यहाँ बड़ी फैमिली आराम से रह सकती है। बिल्कुल, और बड़ा किचन तो हमें चाहिए ही चाहिए। शेल्फ पर टाइल्स लगी हैं, इसलिए इन्हें मेंटेन करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। पैटर्न अच्छा है। बस कुछ अप्लायंसेस बदलने पड़ेंगे, बाकी किचन बहुत अच्छा है। हमारे जितने गेस्ट्स आएंगे उसके हिसाब से हमें इतना बड़ा किचन तो चाहिए। और यहाँ इतने सारे कैबिनेट्स हैं कि मैं कहीं भी अपनी ड्रिंक छुपा सकता हूँ। ये कस्टम मेड है और डाइनिंग एरिया भी काफी बड़ा है। हाँ, यहाँ पे 8-10 लोग तो एक साथ बैठ के आराम से मजे कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया काफी अलग लगा मुझे। आपके लेफ्ट में है मास्टर बेडरूम और राइट में है गेस्ट बेडरूम। नीचे एक स्टूडियो कॉटेज है जिसे हम बाद में देखेंगे। और हाँ, डेक पर जाकर व्यू देखना मत भूलिएगा। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू। ओह, आई लाइक दिस रूम। काफी रोशनी आ रही है। मुझे लगता है कि दो सिंगल बेड्स को जॉइन किया गया है। हाँ, दो अलग अलग बेड हैं, उनको जोड़ दिया गया है। बुरा नहीं है। बाथरूम में भी सेम पेंट किया है, मुझे ये पसंद आया। हाँ, पेंट तो अच्छा है, पर एक ही प्रॉब्लम है कि ये ऊपर से खुला है। क्योंकि बाथरूम है इसलिए ये ऊपर से बंद होना चाहिए। हाँ, बाथरूम में तो प्राइवेसी होनी ही चाहिए। घर की दूसरी तरफ एक मास्टर बेडरूम और एक स्वीट है। ओ वाव, जरा यहाँ से नजारा तो देखो। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा नजारा देखने को मिले तो कौन नहीं रहना चाहेगा। हाँ, दूर तक बस समंदर। ये कमाल का है। ये शायद मास्टर बेडरूम होगा। हाँ शायद, ये काफी बड़ा है। वैसे तो ये क्वीन साइज बेड है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ किंग साइज बेड लगा सकते हैं। इस रूम का बाथरूम भी ऊपर से खुला हुआ है। हाँ, ये सिंक बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस वाले बाथरूम में था। और मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए तो हमें इसे बदलना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे ये पसंद नहीं आया। और इसमें बाथटब भी नहीं है। हाँ, बाथटब तो होना ही चाहिए था। वैसे अगर नहाना हो तो हम बाहर जाके भी नहा सकते हैं ना। मैं तो नहीं जाऊंगी, ऐसे नजारे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सच में बहुत अच्छा व्यू है। टिम और कैरा प्राइवेट कॉटेज चेक कर रहे हैं जो गेस्ट्स के लिए परफेक्ट है। वाओ, ये सच में बहुत अच्छा है। अच्छी खासी रोशनी है और यहाँ की फ्लोरिंग मुझे सच में पसंद आई। मुझे लगता है इससे अच्छा गेस्ट रूम हो ही नहीं सकता। रूम में सिटिंग एरिया भी है। यहाँ का बाथरूम भी बहुत अच्छा है। और शावर में ग्लास लगा हुआ है। मुझे लगता है अगर इसे रेंट पर देना हो तो अच्छी खासी वैल्यू मिलेगी। क्रिस्टीन ने जिस व्यू की बात करी थी वो वाकई कमाल का है। तो कैसा लगा? मुझे ये पसंद आया। मेरा मतलब ये अच्छा है, मतलब पिछले घर के हिसाब से यहाँ के कमरे काफी बड़े हैं, जैसा कि हम लोग चाहते थे। अगर मुझसे पूछी तो मुझे गेस्ट कॉटेज सबसे ज्यादा पसंद आई। काफी खुला खुला है, वो अपने आप में एक पूरा घर है। और यहाँ पे डॉकयार्ड है क्या? हाँ है, और उसके लिए आपको एक अलग से स्पेस दी गई है। अपनी बोट आराम से खड़ी कर सकते हैं। और क्या हम लोग यहाँ स्विमिंग के लिए जा सकते हैं? मैं बताना चाहती थी कि टहिटी बीच यहाँ से बहुत पास है। अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। मतलब हम यहाँ अपनी बोट खड़ी कर सकते हैं, स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। जरूर जाइए, लेकिन उससे पहले आखिरी घर देख लीजिए। चलो। ओह वाओ, चलो जरा इसे भी देख ले। चलो। टिम और कैरा घर देखने से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं और समंदर की गहराइयों का खूबसूरत नजारा देखने के लिए जा रहे हैं। क्रिस्टीना अब टिम और कैरा को एक अलग ही प्रॉपर्टी दिखाने वाली हैं, जो एंड पार्ट्स बे पर बनी है। घर बीच के पास ही बना हुआ है और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें बोटिंग या फिशिंग का शौक है। ये प्रॉपर्टी हर किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब मुझे इसका पता चला तो मुझे लगा कि ये टिम और कैरा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी बहामास में घर देखने आते हैं उन्हें स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे घर नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कई ड्रॉबैक्स होते हैं। लेकिन ये वाला घर ऐसा नहीं है, इसे प्रॉपर प्लान तरीके से बनाया गया है। अगर वो चाहें तो बाद में इसमें चेंजेस करवा सकते हैं। जब वो इसे अंदर से देखेंगे तभी कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये घर अंदर से काफी अच्छा है। सो हियर वी आर। इस घर का नाम है सी बीन कॉटेज। काफी अच्छी हवा चल रही है आज। नजारा देखिए। क्या नजारा है। पिछले दो घरों में ऐसी खुली खुली हवा नहीं आ रही थी ना। और यही इसका फायदा है। हवा है। हाँ, इस कम्युनिटी का नाम है एंट पैट्स बे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो आपको चाहिए। स्विमिंग के लिए ही यहाँ पास में एक बीच है।
आप लिटरली वॉक करके जा सकती हैं। और एक डॉकयार्ड भी है। यहाँ दो बेडरूम्स, दो बाथरूम्स हैं और नीचे एक कॉटेज भी बना है। मैं जानती हूँ कि आप अपार्टमेंट्स में नहीं रहना चाहते, लेकिन एक बार अंदर से देखने में बुराई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो आप चाहें तो कल से ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए। और प्राइस क्या है अगर ये प्रॉपर्टी लेनी हो तो? ये आपको आपके बजट के हाफ प्राइस में पड़ेगी। ये तो अच्छी बात है। मतलब जो बाकी पैसा बच जाएगा उसे आप रेनोवेशन में लगा सकते हैं। मतलब ये हमें सिर्फ 500,000 में पूरा घर। अच्छा है। ओके, तो अंदर से देख ले क्या ऑप्शंस हैं। अंदर चलते हैं। ओह, ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा काम किया गया है। यहाँ पर 8-10 लोग तो आराम से खड़े हो सकते हैं इस किचन में, है ना? हाँ, सच में। इन्होंने इस जगह को काफी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है और इसमें बहेमियन फील भी आ रहा है। बहुत सोच समझ के बनाया है। बिल्कुल, इसे एक बहुत ही फेमस बिल्डर रोहन सैंस ने बनाया है। वो अपनी डिजाइनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि ओनर को कैसा फील चाहिए, जैसे कि कैबिनेट्स हो गई, शेल्फ हो गई जो कि सर्फिंग बोर्ड के शेप में है। सर्फिंग का मन हो तो इसे ही ले जाइएगा। हमें शेल्फ पर कुछ नहीं करवाना पड़ेगा, इट्स ब्यूटीफुल। और इस घर में कितने लोग रह सकते हैं? यहाँ पर 5-6 लोग आराम से रह सकते हैं। और बाहर का पोर्च इतना बड़ा है कि अगर कोई अंदर फिट नहीं हुआ तो हम उसे बाहर सुला देंगे, और बाहर हम डिनर भी कर सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सच कहूँ तो ये हमारी फैमिली के लिए उतना बड़ा नहीं है, पर अगर हमारी बात करें तो हम यहाँ रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या फिर बाद में रेंट पर दे सकते हैं। टिम, चलो जरा वहाँ बैठ कर देखते हैं कैसा लगता है। वहाँ नजारा काफी अच्छा है। ब्यूटीफुल व्यू। और ये फर्नीचर भी हमें साथ में मिलेगा? हाँ बिल्कुल, जितना सामान आपको दिख रहा है वो सब आपको मिलेगा। और ये बेड भी? जी हाँ। ये बेड थोड़ा ऊंचा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब तुम सुबह उठोगी और उठ के बाहर का नजारा देखोगी जैसा कि तुम्हें अभी नजर आ रहा है तो तुम्हें वाकई बहुत अच्छा लगेगा। आंखें खुलते ही मेरे सामने ऐसा ही नजारा होना चाहिए। बाथरूम तो क्यूट है और ये अच्छे से डेकोरेट भी किया गया है, और इसमें एक टब भी है और टाइल्स भी काफी अच्छे हैं। किचन से मैच कर रहे हैं, फ्लोर से मैच कर रहे हैं, डिजाइनिंग अच्छे से की गई है। हमने तो बहुत जल्दी कमरा देख लिया। एक और जगह है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें, वो नीचे है और वहाँ एक आउटसाइड शावर भी है। आप वो सब देखिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ ओके, ऑलराइट। एक एक्स्ट्रा लिविंग रूम देखने के लिए अब ये डेक के नीचे जा रहे हैं। ओह वाओ, ये जगह तो बहुत अच्छी लग रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी शिप का हिस्सा है। और अच्छी बात ये कि यहाँ पर एसी भी है। हाँ, मतलब तुम चाहो तो यहाँ पर सो भी सकते हो। वैसे हम चाहें तो इन बेड्स को बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बच्चों से पूछ लेंगे, क्योंकि हमने कुछ करवाया और उन्हें पसंद नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। वैसे मुझे तो ये ऐसे ही क्यूट लग रहे हैं, बाद में देखते हैं। हाँ, एक आउटडोर शावर भी है। अगर हम यहाँ बाथरूम बनवा दे तो? क्यों, इस बाथरूम पे तुम अपना कब्जा जमाना चाहती हो, सिर्फ अपना सामान रखोगी? मैं सब समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल। अच्छा? भी नहीं। ठीक है। Oh, I'm excited कि आपको कैसा लगा घर? इसमें कोई शक नहीं कि इस कॉटेज को बहुत ही अच्छे से बनाया गया, और वो भी बहेमियन स्टाइल के साथ। लेकिन इसमें थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, और नीचे जो रूम है उसमें काफी काम करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये हमारे बजट में बैठता है तो हम वो खर्चा भी उठा सकते हैं। मतलब इस तरह से हमें एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ, वो जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा बजट ठीक रहता है तो हम कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे रेनोवेट करवा सकते हैं। तो ठीक है, फिर चलते हैं। ऑलराइट, आइए। कई सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने के बाद टिम और कैरा को अब फैसला करना है कि एल्बो की में कौन सा घर उनके सपनों का घर बनेगा। तो वो सीबीन घर कैसा लगा? वो बहुत ही अलग था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम वैसा घर भी देखेंगे, लेकिन उसमें काफी काम करवाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है, ये हमारे बजट के हिसाब से ठीक रहेगा? देखो, काम तो करवाना ही पड़ेगा। और वैसे इतना पेशेंस है नहीं कि हम यहाँ पर बैठे रहें और घर बनवाएं, काफी टाइम लग जाएगा। वैसे मेरे ग्रैंडफादर ने भी ऐसे ही एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली थी अपनी पसंद की, जो बीच पर ही थी, और फिर धीरे धीरे उसे वो रेनोवेट करते चले गए। जैसा उन्हें पसंद था उसमें वैसे वैसे बदलाव करते चले गए। तो हम भी वैसा कर सकते हैं। बीज हाइव के बारे में क्या कहना है? जगह के हिसाब से देखा जाए तो उसका प्राइस ठीक ही था। हम रिटायरमेंट के बाद वहाँ रह सकते हैं। मेरा मतलब है कि घर काफी खुला खुला है और साथ में लिविंग रूम और किचन एरिया भी काफी बड़ा है। और मास्टर स्वीट से जो व्यू था उसका कोई जवाब नहीं, सच में। और वहाँ पे जकूजी भी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें डॉग चाहिए था, जो कि वहाँ पर नहीं लेकिन है। लेकिन उन कारपेट्स को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा।
बेला विस्टा मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि वहाँ के बीच पर हम आराम से स्विम कर सकते हैं और छोटी सी कॉटेज तो मुझे बहुत क्यूट लगी। वो प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी थी और उसे जिस तरह से डेकोरेट किया गया था हम भी शायद उसी तरह से करते। बहुत ही खुला खुला था, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो हमारे बजट से थोड़ा बाहर है तो रेनोवेशन में खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे डर है कि कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलत फैसला न ले लें। हमने एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचा और हमने जो घर फाइनल किया वो है सी बीन कॉटेज। वंडरफुल। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम हमारे हिसाब से जो भी रेनोवेशन करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और इसके साथ एक डॉक स्पेस भी है और बीच भी पास में। तो मैं आपको उस जगह की सारी डिटेल्स दे दूंगी ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। थैंक यू। चीयर्स। हमने घर ले लिया। हाँ, और ले लिया। 3 महीने हो चुके हैं और इस घर को खरीदने के लिए हमें देने पड़े $500,000। और जब से हमने यहाँ शिफ्ट किया है कुछ न कुछ रेनोवेशन का काम चल ही रहा है और धीरे धीरे करके हम इसमें 4 कमरे बना ही लेंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें सारा काम हमारे बजट के हिसाब से ही हो गया। 26 सालों बाद मैं यहाँ दोबारा रहने आया हूँ और मैं बता नहीं सकता कि मुझे यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। हम यहाँ आराम से रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं, ताज़ा हवा, खुली जगह, और क्या चाहिए। ये जगह हमारे लिए पहले से ही बहुत खास रही है। हमारी कई जनरेशन्स यहाँ रह चुकी हैं और अब बच्चे इस जगह को देखेंगे तो सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि बस सब बच्चे यहाँ आ जाएं और हम सब मिलकर एक अच्छा सा वेकेशन मनाएं। एंड आई होप उन्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी।